आनंद सिंह का जब काफिला आया तो क्या हुआ आपके गांव? काफिला में इधर से रिटर्निंग में को के उड़ा दिया। के उड़ा दिया? आनंद सिंह का गाड़ी? हाँ, आनंद सिंह का काफिला वाला गाड़ी उड़ा दिया। अब वो बेचारा पटना में भरती है, बताइए। आनंद सिंह गए मिले ओकरा फिरी गए कहाँ से? हम सब मिल के आए। तो ना कहते हम अपने जनता के फिरी जाते हैं। आनंद सिंह जनता के उड़ा दिए? जनता उड़ गया था, पता नहीं चला वहाँ। सब तो पहुँच गए जहाँ पहुँचना था। जनता को तो हम सब उठा के वहाँ से लेकर वो इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहे हैं। मीम्स पर मीम्स बन रहा है कि हम जनता के फिरी आए हैं, जनता से मिले आए हैं। और जनता पीएमसीएच की पटना में कहाँ भर्ती है पटना? अभी पटना में बेचारा बेड रेस्ट में। का का टूटा है? टूटा है, पैर टूट गया है, गर्दन में यहाँ भी मोच है। अनंत दादा का इफेक्ट रहेगा? सरकार का चाचा है, छोटे सरकार जो आए हैं जेल से, उनका प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारा भी कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ प्रभाव, हाँ यहाँ नहीं पड़ेगा। इस क्षेत्र में कोई भंडारक में सफा ना सफा नहीं, वहाँ पड़ सकता है। भूमियार बेल्ट है उधर, ये कौन बेल्ट है? इधर तो सारा सर्वोजात बोले, हाँ सर्वोजात में इधर है। वोट किधर जाएगा? ललन सिंह के नाम पर दीजिएगा कि मोदी जी के नाम पर दीजिएगा? अरे हम देंगे लालू जी के नाम पर। ये तो ऑप्शन में ना था कि लालू जी का नाम हम नहीं लिए, लालू जी का नाम ले रहे हैं। तो लेंगे नहीं, आप बोल रहे हैं मोदी जी के नाम पर, तो हम लालू जी का नाम नहीं ले, नामों लेना गुनाह है। हाँ। ये स्वतंत्र भारत है, यहाँ सबको स्वतंत्र, यहाँ सबको स्वतंत्रता है। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन जेलवा से आने के बाद तो वोटवा कन्वर्ट होगा ना जी? अरे तो आपको विधायक बनाए यहाँ, तो जातीय जनगणना करके आप वोट लिए थे। नहीं था कि यहाँ सब जात दिया था वोट? सबने दिया था, सबने दिया था वोट। तो एक मतलब कि ये जो हमारे जो है लेमुआबाद पंचायत, वो क्या ये वोट नहीं किया था मोकामा विधानसभा में? एकदम किया होगा। बताइए लेमुआबाद पंचायत में आप घूम के देखिए कि अनंत जी का कहीं पर वोट है एकोगो? क्या बात कर रहे हैं, बताइए, घूम के देख लीजिए आप, इस क्षेत्र का भ्रमण कर लीजिए, पूरा भूमिहार बस्ती है, चेक करवा लीजिए, पूरा भूमिहार बस्ती है। भूमिहार बस्ती लेमुआबाद कहाँ है? भूमिहार बस्ती किसका आबादी है वहाँ पे? सबसे ज्यादा मेजोरिटी में कौन ये है? सब है, सर्वोजात है, सर्वोजात है, सर्वोजात। आप कौन जाति से आते हैं? आप कौन जाति? जाति से मतलब नहीं रखिए। हाँ। यहाँ हम आपको तो बताइए रहे हैं कि यहाँ सर्वोजाति है, लेकिन आप लेमुआबाद पंचायत में घूम के देख लीजिए, सर्वेक्षण कर लीजिए, कहीं उनका वोट है कि फलना बाबू काम कर रहे हैं? कोई भी काम नहीं किए हैं नेताजी। अगला बार जिताइएगा तो फिर काम होगा? मतलब कि ये 20 साल से जीत रहे हैं आनंद जी, तो चौथा बार विधायकी उनका है। बिल्कुल बिल्कुल, चार बार विधायकी उनको मिल गई, अभी एक बार और मौका ही देने के लिए बोल रहे हैं। आप भी गोदी मीडिया है कि उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं सपोर्ट नहीं कर रहे, हम आपका भाषा देख रहे हैं कि उनको लेकर के आप बड़ी नाराज है। व्यक्तिगत कोई बात है? व्यक्तिगत कैसे बात है? ये व्यक्तिगत बात है, इसलिए बोल रहे हैं कि पूरा पंचायत में घूमिए, ये व्यक्तिगत बात है। नहीं नहीं, पंचायत का बात करें तो आप तो सबका बात कर रहे हैं। तब ये व्यक्तिगत अगर बात करते तो हम बोलते कि चलिए मेरा घर देखने के लिए कैसा है। बात सही है, हाँ? सही है। हमको जरा बताइए कि आज के समय में जो बातें हो रहा है, कह रहा है लोग पटना में या दिल्ली की जो मीडिया है वो बातें कह रहा है कि अनंत सिंह इसीलिए पेरोल पर बाहर आए हैं, उनको लग रहा था कि ललन सिंह कमजोर पड़ गए और ललन सिंह मजबूत करने के लिए, ललन सिंह को उनके वोट को बढ़ाने के लिए अनंत सिंह को जेल से बाहर लाया गया। उनके जैसा जैसा वो 10 गो का और उतार ले, अनंत सिंह जैसे 10 आदमी और आ जाए, 10 आदमी और आ जाए, लेकिन इस बार मुंगेर लोकसभा से कुमारी अनीता जी जीत रही है, अशोक महतो की पत्नी। अशोक महतो की पत्नी, अशोक महतो का तो छवि आपको पता है कि कैसा आदमी है? मीडिया ने दिखाया कि अशोक महतो जो है वो अखिलेश सरदार के जाति के लोगों का बहुत गलत किए उन लोगों के साथ में। और दूध से कौन नहाया हुआ है? ललन सिंह। ललन सिंह कैसे? मीडिया बता रहे ना कि मीडिया बता रहे, मीडिया को बताने से नहीं ना होगा जी। हाँ। अभी आप जाकर देखिए अंबुजा का जो बन रहा है, अंबुजा सीमेंट वाला कितना दिन हो गया आप? हाँ। लोग को मालूम होगा अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। चल रहा कब? चल कहाँ चल रहा है? चलिए तो हमको दिखाइए कहाँ चल रहा है, काम ना चल रहा है, कौची चल रहा है, बताइएगा ना। सब आ गया अभी इसमें, कम से कम तो 5,000 मजदूर इसमें खटता कि नहीं खटता? लेकिन ये बंद पड़ा, क्यों पड़ा है? ये किनका संसदीय क्षेत्र है? ललन सिंह। ललन सिंह का तो का है वो बंद है, उनका संसदीय क्षेत्र है तो का है बंद है? अच्छा कभी ललन सिंह को सामने से देखे, इस सड़क से आते हो आपसे मिले कि क्या हाल है? का है देखेंगे, उतना फुर्सत है उनके पास? फुर्सत है जनता से मिलने के लिए तो का है संसद बने हैं जी? तो आप वही तो बात बोल रहे हैं कि उस संसद बने हैं तो उनको जनता से मिलने के लिए फुर्सत है?
नहीं फुर्सत है। अगर वो चाहते थे फैक्ट्री बनता कि नहीं बनता, चालू हो गया होता हूँ मैं, लोग काम करता आपके जैसा, लोग सुपरवाइजर से लेके। आप ऐसी झूठ मूठ नहीं बोलिए, वो काम कुछ नहीं हो, बहुत दिन से ठप पड़ा हुआ है काम। अच्छा, इस बार वोट किस नाम पर आप लोग दे रहे हैं, लालटेन को किस नाम पर दे रहे हैं वोट? लालटेन को इस नाम पर दे रहे हैं कि बदलाव जरूरी है, बदल देना है, बदल देना है। एक आदमी कुर्सी पर बैठ जाने के बाद सोचता है कि हम ही हैं सर्वो सर्वा, भगवान हम ही हैं, भगवान हम ही हैं, जनता हम ही को चुनेगी। लेकिन इस बार जनता दिखाएगी अपनी ताकत कि जनता चाहे तो कुर्सी इधर से उधर भी कर सकती है। तो कह रहे लोग कुर्मी जो समाज का वोट है, एक बात कह रहे हैं, आप भले इस बात को ना मानिए कि बिहार में जाति है नहीं है, भले आप इससे नकार दीजिए, हम आपसे जाति पूछेंगे, आप जाति मत बताइए, आप मत बोलिए, लेकिन इस बात की तो सच्चाई है ना कि जाति है इस देश के अंदर, जाति है इस देश में। अमित शाह 4 महीना का टाइम लेके के 10,000 रुपया सहारा वाला रिटर्न कर रहे हैं, तो की होले अभी तक नहीं आया ना? नहीं आया, कितना पैसा नहीं हुआ? पैसा तो ढेर है, कौन ऐसा घर घर 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 5,00,000, लेकिन गरीब गुरबा के 10,000, 20,000, 50,000 रुपया कोई सन घर में नहीं होती कि नहीं होगा। बेचारा सहारा में पैसा दिया कि सहारा बनेगा, कितना सच बोलता है जय, वही ना अमित शाह कितना सच बोल रहा है कि 4 महीना में दे देंगे। हम देंगे राजद में देंगे, लालटेन में दीजिएगा, हाँ अशोक महतो की पत्नी, हाँ हाँ ललन सिंह को ना दीजिएगा, सफा ना। चलिए तो ये सफा नहीं देंगे, इधर आ जाते हैं। क्या जी, मूछ एकदम आपका बहुत जबरदस्त है, टाइट है, क्या नाम है? रुपेश प्रसाद। रुपेश प्रसाद, हाँ रुपेश कुमार को। रुपेश कुमार जी, हमको जरा बताइए कि मुंगेर में इस बार क्या होगा, क्या चलेगा? बस अनंत दादा का इफेक्ट रहेगा, सरकार का चाचा है, छोटे सरकार जो आए हैं जेल से, उनका प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारा भी कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्या बात कर रहे हैं, यहाँ प्रभाव, हाँ यहाँ नहीं पड़ेगा, इस क्षेत्र में कोई भंडारक में सफा ना, सफा है वहाँ पड़ सकता है, भूमियार बेल्ट है। हाँ, उधर तो कौन बेल्ट है? इधर तो सारा सर्वो जात बोले, हाँ सर्वो जात में इधर है, मैक्सिमम मतलब बैकवर्ड ही है। हाँ, तो इतना वोट हो रहा है, कह रहा है हो जाती है बरसात, हाँ रहेगा ना? नहीं है, रहेगा आप लोग के साथ में? नहीं है, नहीं किच्छा रहेगा, रहना है। आप कुर्मी है? नहीं रहेगा तो होगा, आप कुर्मी है? ना यार, उसको छोड़िए ना, हम तो बोलिए दिए दुए जात में है, नर्मदा, हाँ बाकी सब सब एक ही में घटना में, सब एक में है। हाँ अशोक महतो कह रहा ना कि मीडिया कह रहा है कि क्रिमिनल है, गुंडा है, अशोक महतो को हम कहाँ वोट दे रहे हैं? अशोक महतो को पत्नी को दे रहे हैं ना, क्रिमिनल को हम कहाँ वोट कर रहे हैं? तो अनंतो सिंह को भले कहता है मीडिया के वो है, उनकी पत्नी को ना वोट दिया था जी, तब तो उसको पत्नी कह दिए, अगला बार नीलम देवी को विधायक बनाए, उसके बाद हमसे जीत काम हुआ, कहाँ काम हुआ? कुछ ना, आनंद सिंह कुछ काम नहीं कर रहा, कौन काम कर रहे हैं? एको को यहाँ नाला बनवा देते, हमारा गांव में पानी निकास करने की जगह नहीं है, सावन भादो में सगर इतना पानी भर जाता है, कहाँ निकास है? गांव में आगे में ब्लॉक है, थाना है, सब है, फिर भी देखते हैं गांव के विकास से नहीं है। तो ये सब नेता विधायक जो बन रहे हैं, क्षेत्रीय विधायक है, उनको ध्यान देना चाहिए। हम भूकनेस, हमारा भूकनेस हो जाएगा, एकदम ना होगा, होगा उनको भूकनेस हो सकता है। हाँ बिल्कुल, वो सदन में बोलेगा जाके कहेगा, तो सदन में बोलेंगे करवाएंगे, नहीं होगा तो खड़ा होकर करवाना चाहिए। अपनों लगे तो पैसों की कमी थोड़े है, कमी तो नहीं है, अपनों लगा करवा देते, बाद में पैसा ले लेते सरकार से, बाद में असूल कर लेते सरकार से। हाँ। तो वो काम कहाँ करवा रहे हैं, जीत के अपना आराम से। अगला बार सांसद विधायक उधायक बनाइएगा लो, अनंत सिंह की पत्नी को? नहीं नहीं, अब कहाँ, बना दिए तो बना दिए, अब बना दिए, दो चार बार चांस दिए कि भाई अब चांस ले रहे हैं, कल जोड़ के तो दे दो, मगर कहाँ वो काम नहीं कर रहे उसका। अनंत सिंह कहाँ कर जोड़ते हैं? नहीं जोड़ते हैं ना, वो तो सीधे कहते हैं हमारा जनता हमारा भी रही है, हम नहीं जोड़ेंगे तो उपाय नहीं है, नहीं तो आनंद सिंह को बुलवाइएगा सामने में, देखे कल जोड़ के अभी हो गया 3 बजे पहले कि दीजिएगा, नहीं किसे जोड़ेंगे, जोड़ना तो हरेक नेता का। तो क्या हुआ था आप लोग के गांव में, आनंद सिंह का जब काफिला आया तो क्या हुआ आपके गाँव? काफिला में इधर से रिटर्निंग में उड़ा दिया। के उड़ा दिया? आनंद सिंह का गाड़ी? हाँ आनंद सिंह का काफिला वाला गाड़ी उड़ा दिया। अब वो बेचारा पटना में भर्ती है, बताइए आनंद सिंह गए मिले ओकरा भिरी गए कहाँ से? हम सब मिल के आए ना, कहते हैं हम अपने जनता के भिरी जाते हैं।
अनंत सिंह जनता के उड़ा दिए, जनता उड़ गया था, पतवाली चला वहाँ सब तो पहुँच गया जहाँ पहुँचना था जनता को, तो हम सब उठा के वहाँ से ले जा रहे, वो इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहे था, मिम्स पर मिम्स बन रहा है कि हम जनता के फिर आए हैं, जनता से मिले आए, जनता पीएमसीएच की पटना में कहाँ भर्ती है पटना, अभी पटना में बेचारा बेड रेस्ट में, कहाँ का टूटा है, टूटा है पैर, टूट गया है गर्दन में, यहाँ भी मोच है, बताइए पैर तो साफ फ्रैक्चर है उसको, फ्रैक्चर है खत्म हो गया मतलब, हाँ विकलांग बना दिया, विकलांग का वो ऑपरेशन ऑपरेशन होगा उसके बाद दो तीन महीना के लिए तो विकलांग के है, दिक्कत है। तो अशोक महतो के नाम पर आप लोग का वोट जाएगा इस बार लालटेन को, हाँ, ना तेजस्वी यादव के काम पर, हाँ हाँ तेजस्वी यादव कुछ काम किया है 16-17 महीना जरूर रह के, अच्छा विकास किया, नौकरी दिया 16-17, आप लोग वोट दीजिए, हाँ इसलिए उसको बैठा रहे कि नवजुब अगर हम नहीं पढ़े जो पढ़ा लिखा उसको तो नौकरी मिलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, छोटे भाई को मिलना चाहिए, पटदारी के लेकर जो पढ़ल है वो देख रहे हैं कि चरवाहा के तरह घूर रहा है, क्या घूर रहा है, साइकिल लेके घूम रहा है, कुल के बर्बाद करके रख ले। चलिए बात तो सही है, क्या नाम है आपका फिर से बताइए, रुपेश कुमार, रुपेश कुमार है, पंडारक थाना के आसपास के इलाका में हम लोग ये रिपोर्टिंग कर रहे थे और यहीं पे ये भाई साहब मिल गए तो बता रहे हैं कि अनंत सिंह को बहुत ज्यादा हम लोग मदद किए, 4 बार विधायक बनाए पत्नी समेत, लेकिन 1 बार भी काम नहीं किए, खास करके इस इलाका में बिल्कुल काम नहीं किए हैं, इसलिए वो जेल से बाहर आए हैं, वोट भी मांगेंगे ललन सिंह के लिए, तो हम लोग वोट नहीं करने वाले हैं। वो जब काफिला उनका यहाँ से गुजर रहा था, इस रास्ते से जब वो पेरोल पर आ रहे थे तो रोड शो करते हुए जा रहे थे लगभग 50 गाड़ियों के साथ में, तो हुआ ये कि एक गरीब आदमी सड़क के किनारे खड़ा था या बैठा था, लेकिन बाइक से जा रहा था, तो उनकी गाड़ी काफिला वाली जो गाड़ी थी उसमें बहुत ज़्यादा गाड़ी था, उसमें से कोई गाड़ी ठोकर मार दिया और गाड़ी आगे बढ़ गया, वो आदमी वहीं पे गिरा रह गया, तो ये स्थानीय लोग उनका इलाज कराए और आज पीएमसीएच या पटना में कहीं पे वो भर्ती है, अनंत सिंह देखने तक नहीं गए, हालांकि वो मीडिया में आकर के ये बातें कह रहे हैं कि हम जनता से मिलने के लिए आए हैं, अब जिस जनता से मिलने आए उस जनता को उड़ा दिए, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जनता भी कह रहा है कि इस बार वोट आपके नाम पर हम भी नहीं देने वाले हैं चाहे कुछ भी हो जाए, खास करके एक भाई साहब थे जो खुद उनके जाति से आते हैं भूमिहार जाति से, वो कह रहे हैं कि हम आपको वोट नहीं देने वाले हैं, आपका दाल नहीं गलने वाला है, ललन सिंह को लेकर के काफ़ी नाराजगी है, ललन सिंह इस रास्ते से जाते हैं तो कांच अपने गाड़ी का डाउन नहीं करते हैं, लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, ये सारी बातें हैं, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि अशोक महतो की पत्नी के फेवर में वोट खूब पड़ने वाला है यहाँ पे पंडारक में, खास करके ये मोकामा विधानसभा है जहाँ से अनंत सिंह की पत्नी विधायक है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।